नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। पहाड़ समाचार। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 56 संक्रमित मिले हैं। वहीं दो मरीजों की मौत हुई है, जबकि 48 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 649 पहुंच गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला नहीं मिला है। कुल मरीजों की संख्या 548 हो गई है। अब तक ब्लैक फंगस के 121 मौतें भी ब्लैक फंगस के जरिए हो चुकी हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 548 मरीजों की संख्या फिलहाल कुछ बची है। वहीं 24 घंटे में अगर बात करें तो 56 संक्रमित 24 घंटे में मिले हैं, जबकि 48 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। पंजाब में कुनबे में मची घमासान थमने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए भी कांग्रेस पदाधिकारियों का ऐलान करने का सियासी संकट पर विराम लगा दिया है। वरिष्ठ और अनुभवी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर गणेश गोदियाल और उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह के नाम की घोषणा की गई है, जबकि आयेंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष, नेता विधायक दल, सह अध्यक्ष, संयोजक चुनाव कमेटी और उपाध्यक्ष के तत्काल प्रभाव से नियुक्त कर दिए गए हैं। तो अब पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में भी चुनाव नजदीक है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह के नाम की घोषणा की गई है, जबकि आयेंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष, नेता विधायक दल, सह अध्यक्ष, संयोजक चुनाव कमेटी और उपाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति कर दी गई है। चंपावत में स्थित रीठा साहिब गुरुद्वारे में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इस गुरुद्वारे में सभी धर्मों के लोग दर्शन करने आते हैं। गुरुद्वारा चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है और नदी के किनारे सुशोभित है, जिसकी सुंदरता भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रद्धालु रात में यहाँ कीर्तन भजन करते हैं। आपको बता दें कि इस गुरुद्वारे की स्थापना की कहानी बड़ी दिलचस्प बताई जाती है। तो बेहद ही खूबसूरत गुरुद्वारा भक्तों के लिए को आकर्षित करता है। भक्तों को आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बीचों बीच ये बना हुआ है। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सारियां नूं, राम राम। हम लोग रीठा साहब आए थे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से और हमने काफ़ी फन किया, दर्शन किए, गुरुद्वारा में रहे। उत्तराखंड के धनौरी में एक अज्ञात किशोर का शव नदी में अफरातफरी मिला। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पहचान का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर रुड़की सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। तो नदी में उफनाता एक शव मिला, जिसके बाद लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं इस शव को बाहर निकालते हुए तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा ये किसका शव है। हरिद्वार के भाद्राबाद थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला दो पक्षों के बीच कुछ दिन पहले हुई मारपीट का है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो हरिद्वार में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद सरेआम युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पौड़ी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते आज राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर
पाबो बुआखाल के बीच मंडाखाल के पास पड़ा बोल्डर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग पर बोल्डर गिरने से यातायात पूर्ण रूप से ठप हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही सहायक अभियंता मनोज रावत जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर बोल्डर को रास्ते से हटाने का कार्य शुरू करवा दिया गया। सहायक अभियंता मनोज रावत ने बताया कि मार्ग को खोलने के लिए पत्थर के काटने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मलबा अधिक गिरने से दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी मार्ग खुलने में समय लगेगा। किलोमीटर 52 में मंडाखाल से लगभग 8 किलोमीटर नीचे चट्टान गिरने के कारण सड़क पूर्णतः बंद हो गई है। चट्टान को डालने का कार्य किया जा रहा है। मार्ग को यातायात हेतु कल शाम तक संभवतः खोल दिया जाएगा। कार्य लगातार प्रगति पर है। तो मोटर मार्ग पर बोल्डर गिरने से आवागमन बाधित हो गया। हालांकि पहाड़ी इलाकों में जैसे ही बारिश होती है उस दौरान इस तरह का भूस्खलन और पहाड़ी गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं यातायात भी पूर्णतः बाधित हो जाता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बोल्डर गिरने से किस तरह से पूरा का पूरा रास्ता बाधित हो गया। वहीं अब जेसीबी की मदद से इस बोल्डर को हटाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि आवागमन का जो संचालन है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से हो सके। हरिद्वार महाकुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष है, जो हरियाणा के रहने वाला है। गौरतलब है कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच के लिए प्राइवेट कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को ठेका दिया गया था। मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी ने खुद जांच न करके हरियाणा की नालवा लैब और दिल्ली की लालचंदानी लैब को हायर किया था। इन दोनों लैब ने लगभग 1 लाख से अधिक कोरोना की फर्जी जांच दिखाकर फर्जी डेटा बनाकर सरकार के पास जमा कर दिया था, जिसकी सूचना के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तो कोरोना का जांच घोटाले में पहली गिरफ्तारी की गई है। बता दें एसआईटी के द्वारा लगातार इस मामले पर छानबीन की जा रही थी, जिस लैब को दिल्ली से ये दिया गया था मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी, उसने खुद जांच ना करते हुए दिल्ली की लालचंदानी लैब को हायर किया था और एक और लैब को हायर करके इन दोनों को कोरोना की जांच करने का ये पूरा टेंडर दिया था। इसमें भारी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन कर लगातार जांच की जा रही थी, जिसमें पहली गिरफ्तारी कर ली गई है। रोशनाबाद इलाके कनखल थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैंथिल अबुदई ने बताया कि 19 जुलाई को अपने ही पति की हत्या करने के आरोप में शिव कुमार उर्फ पेनल्टी के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई थी। हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए कई टीमें गठित की गई थी, जिसने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी बरामद कर लिया है। जो है थाना कनकल में जगदीपुर चौकी क्षेत्र में एक रविंदर करके व्यक्ति का जो है हत्या कर दी गई है। उनका वाइफ श्रीमती राजभाला का तहरीर के आधार पर जो है तत्काल रूप से मुकदमा कायम किया और टीम गठित करके इसमें कार्रवाई करते हैं। इसमें जो है कल हमें सफलता मिली, इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें पेनाल्टी मामा उर्फ शिव कुमार जो जिसने गोली मारकर उनका हत्या की है, ये जो है मृतक का रिश्तेदार में भी आता है, और एक विनोद शर्मा जिसने जो है इनको लेके जाकर अपने गाड़ी में जो है लेके जाके इनका जो हत्या को मदद करी, और तीसरा है धर्मेंद्र जिसका घर से जो है ये हत्या के बाद जो है ये पेनाल्टी ने जाके जो है अपने हथियार को छुपा कर रखा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है हमने, और इसमें हत्या का प्रयुक्त हसला जो 315 वर्ग का तमंचा और उसका कारतूस और घटना का दौरान जो पहना गया टी शर्ट इसको हमने रिकवर कर दिया है, और जो है इनका गिरफ्तार करके अभी मान्य न्यायालय में रिमांड के लिए हम। तो हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी की हत्या करने वाले पति समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया है। तो पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचे को भी बरामद कर लिया। बता दें इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए टीम गठित की गई थी, जिसमें खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की हल्द्वानी जेल में मौत के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने कैदी की मौत की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नैनीताल, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी और जेल के आरोपी बंदी रक्षकों के तबादले के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी उप कारागार में बंद कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। तो पुलिस अभिरक्षा में मौत होने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कस्टडी में कैदी की मौत कैसे हुई, इसका स्पष्टीकरण मांगा है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, माफ कीजिएगा, नैनीताल हाईकोर्ट ने। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। नैनीताल में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से राजभवन को जाने वाला सड़क मार्ग पालिका बाजार के पास से टूट कर गिर गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मार्ग के धंसने की सूचना मिलते ही मौके पर निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। जिलाधिकारी ने सड़क को जल्द ठीक करवाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 30,000 रुपये कार्य के लिए स्वीकृत भी किए गए हैं। डीएम ने जल्द मरम्मत कराने के आदेश दे दिए हैं। बारिश की वजह से राजभवन को जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया था, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया था। वहीं इस आवागमन को लेकर जो दिक्कतें हो रही थी उसको जिलाधिकारी से अवगत कराया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने 30,000 रुपये कार्य के लिए स्वीकृत भी किए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। बारिश के मौसम में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा पत्थर गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग के समीप उमा माहेश्वर आश्रम के पास हाईवे बार बार बंद हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी दरक जाने के चलते ये डेंजर जोन बन चुका है। हल्की सी भी बारिश आने पर पहाड़ी से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है उसके चलते पहाड़ों से पत्थर, मलबा, भूस्खलन जैसी तमाम जो दिक्कतें हैं वो उजागर होने लग जाती हैं। और इस समय जो यात्री बाहर से आते हैं उनके लिए बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि किसी भी वक्त पहाड़ों से पत्थर गिर जाते हैं और इससे आवागमन तो बाधित होता ही है, लेकिन एक बड़ा खतरा भी बना रहता है, क्योंकि हल्की सी भी बारिश आने पर पहाड़ों से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो दरक जाने के चलते ये डेंजर जोन बन चुका है, जिसको लेकर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की और इस पर इसकी देखरेख के लिए जेसीबी को भी लगा दिया जाता है। पाठ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।